ये फोन 15,000 रुपए के अंदर सबसे ज्यादा प्रीमियम दिखने वाला स्मार्टफोन हो सकता है, ये है Redmi 12। तो आज मैं इसे करूंगा अनबॉक्स, बताऊंगा कैसा ये फोन फर्स्ट इंप्रेशंस में होने वाला है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं स्टार्ट करता हूं अनबॉक्सिंग से। तो बॉक्स एज यूजुअल हमेशा की तरह एक नॉर्मल Redmi के फोन का डब्बा दिखता है। तो सबसे पहले फोन साइड रखेंगे, इसके नीचे क्या क्या मिलने वाला है वो देखते हैं। सो यहाँ पर आपको एक TPU केस मिलने वाला है, थोड़ा ट्रांसलूसेंट सा बट बॉक्सी सा कवर है, क्योंकि फोन का जो डिजाइन है वो भी थोड़ा सा बॉक्सी है, एजी है। ये कवर देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा कौन सा फोन है, मुझे कमेंट जरूर बताएं। इसके नीचे कुछ यूजर मैनुअल वगैरह है और एक सिम इजेक्शन टूल है। नीचे आपको एक 22.5 वाट का चार्जर मिल जाता है, और अगर प्राइस पॉइंट 13,000 रुपए के आसपास है तो आपको एक चार्जर मिलना एक अच्छी चीज है। अभी तक हम बहुत सारे बजट फोन में माइक्रो यूएसबी देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपके पास टाइप सी मिल जाती है आपको। और बॉक्स में कुछ नहीं है, इसे रखते हैं नीचे। अब खोल लेते हैं फोन को। सो फोन इस वक्त जो आप देख रहे हैं, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ क्योंकि अभी फोन को अनबॉक्स किया, और फर्स्ट इंप्रेशन में फोन काफी बड़ा लगता है, क्योंकि फ्रंट में आपको करीबन 6.79 इंचेस की एक एलसीडी डिस्प्ले मिलती है, और ये Redmi सीरीज में सबसे बड़ी डिस्प्ले है। सो Redmi ने कुछ खास चीजें इस फोन के साथ करी है। पहले कलर की बात करते हैं, ये है मूनस्टोन सिल्वर कलर, बट एक ब्लू कलर में और आता है। और अगर स्टोरेज और रैम वेरियंट की बात करें तो मेरे पास जो वेरियंट है वो है 6GB 128GB। अब यहाँ पर साइज वगैरह में बड़ा तो है, लेकिन वेट में उतना फर्क मुझे ज्यादा नहीं दिखा है। अभी जो बैक है ना, ये ग्लास बैक है, और इस प्राइस पॉइंट पर ग्लास बैक मिलना बहुत ही अलग चीज है, क्योंकि जनरली इस प्राइस पॉइंट के अंदर ब्रांड्स कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा स्पेक्स हेवी फोन को बनाने की कोशिश करें, कि ज्यादा वो यूटिलिटी बेस्ड रहे, ज्यादा वो काम आ सके आने वाले टाइम में। जब आप फोन को इस्तेमाल करेंगे ग्लास बैक के साथ तो वो उतना सेफ तो नहीं रहेगा, क्योंकि ग्लास बैक शैटर कर सकता है। तो आपको बॉक्स के अंदर एक TPU कवर मिल जाता है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं, तो फ्रंट में आपको एक ठीक ठाक साइज का बेजल मिल जाता है, चारों तरफ से चिन बड़ी है, एक सेंटर नॉच डिस्प्ले आपको मिल जाती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, और ब्राइटनेस लेवल वगैरह अभी तो ठीक ही दिख रहे हैं। ये जो बॉडी है ये प्लास्टिक बॉडी है, साइड में आपके मिल जाते हैं कंट्रोल, जो कि है एक वॉल्यूम कंट्रोलर, और नीचे इसका पावर अनलॉक बटन जिसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर जो है इंटीग्रेटेड मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, एक माइक्रोफोन मिल जाता है, एक स्पीकर ग्रिल मिल जाता है, और ऊपर की तरफ Redmi का खास फीचर IR ब्लास्टर मिल जाता है, और यहाँ पर हेडफोन जैक मिलता है, तो खुश हो जाओ आप। हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलती है, मतलब कि आप 2 सिम लगा लीजिए और एक SD कार्ड लगा लीजिए, और SD कार्ड को आप 1 TB तक एक्सपैंड कर सकते हैं, जो एक अच्छे खासे साइज का स्टोरेज है। तो ये तो थी ओवरऑल डिजाइन की बात और सेटअप की बात, अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। सो यहाँ पर आपको मिलती है 6.79 इंचेस की एक फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले, जहाँ पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है अडैप्टिव सिंक के साथ, जो Redmi का खुद का कस्टम रिफ्रेश रेट चेंज करने का तरीका है। सो डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो ब्राइटनेस लेवल्स मुझे ठीक लगे हैं, कलर्स भी मुझे ठीक लगे हैं। स्पीकर्स वगैरह की बात करें तो आपको मोनो स्पीकर मिलता है नीचे की तरफ, ऊपर कोई स्टीरियो सेटअप नहीं है, बजट में ज्यादा कंप्लेन कर भी नहीं सकते। अब बात करें तो उस सेक्शन के लिए जिसके लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो है कैमरा सेक्शन। तो यहाँ पर आपको मिलता है 50 MP का मेन सेंसर, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, और 2 MP का मैक्रो सेंसर, और फ्रंट में है 8 MP का सेल्फी कैमरा। कैमरा सैंपल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट जरूर बताएं। अगर UI वगैरह की बात करें तो आपको कैमरा जो UI है वैसी ही मिलती है जैसी आपको Redmi के मोस्टली सभी फोन में मिलती है। आपको डेडिकेटेड 50 MP मोड मिल जाता है, नाइट मोड मिल जाता है, डेडिकेटेड टाइम लैप्स मोड भी है, और वीडियो सेक्शन में आप 1080p एट 30 FPS तक शूट कर सकते हैं, और फ्रंट में भी आप 1080p एट 30 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं। अब क्योंकि एक बजट फोन है, यहाँ पर बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस प्राइस पॉइंट पर इस फोन में आपको मिलता है Helio G88, जो कि MediaTek का एक बजट प्रोसेसर है। बूट करने में इसने अच्छा खासा टाइम ले लिया, और उसके बाद भी अब मैं फोन को इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुझे एक लैग वाली फील जो है ये फोन दे रहा है। टच को भी जो है उस पर रिस्पांस नहीं करता, उसको रजिस्टर नहीं करता है। सो MediaTek Helio G88 से आप बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और अगर आप इस पर सोच रहे हैं कि बहुत अच्छी गेमिंग कर पाएंगे वो तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका डेली यूसेज जो होता है, थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये काम कर लेगा, बट उतनी तगड़ी परफॉर्मेंस आपको इस प्रोसेसर से नहीं मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं बैटरी की, तो यहां मिलती है आपको 5000 mAh की बैटरी, और साथ में मिलती है आपको 22.5 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर ही। और अगर चार्जिंग स्पीड की बात करें तो इस चार्जर से आपको आराम से 1 घंटे से ऊपर का समय लग सकता है इस फोन को चार्ज करने में, और बैकअप की बात करें तो आराम से ये आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप दे सकता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से मैं अपना वर्डिक्ट आपको बताता हूं। यहां पर आपने बात करी है एक अच्छे ग्लास बैक की, एक अच्छे डिजाइन की। मैं जानता हूं कि Tier 2 Tier 3 सिटीज में लोगों को बड़ी डिस्प्ले के फोन चाहिए होते हैं क्योंकि उनको वीडियोस देखने होते हैं, लेकिन जब आप एक फोन किसी को दे रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए, आप चाहेंगे कि वहां पर जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही स्मूथ हो, बट इस प्रोसेसर के साथ वो चीज उतनी पॉसिबल नहीं है। एंड दूसरी चीज ये है कि एक 5G फोन नहीं है, तो वहां पर मुझे लगता है कि Redmi को काम करना चाहिए था। बट अगर ये फोन 10-11 हज़ार रुपए के आसपास लॉन्च होता है, और अगर आप जिस शहर में रह रहे हैं वहां पर लंबे टाइम तक 5G नहीं आने वाला है, तो आप इस फोन के साथ जा सकते हैं, आपका एवरेज बेसिक यूज ये फोन पूरा कर सकता है। आपको Redmi 12 कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे गोविंद को जागरण हाईटेक पर, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।